please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और इधर असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की सूची को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि एनआरसी से बाहर रखे गए 40 लाख लोगों के खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये महज एक ड्राफ्ट है। इसके अलावा अदालत ने आदेश दिया कि लिस्ट से बाहर रखे गए लोगों को अपने आप को साबित करने के लिए मौका मिलना चाहिए और ये प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। अदालत के आदेश के मुताबिक लिस्ट से बाहर रखे गए लोग यदि इसमें शामिल होने के लिए किसी विकल्प का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस रंजन गोगोई ने एनआरसी के कोऑर्डिनेटर और सरकार को आदेश दिया कि वो बताएं कि एनआरसी की लिस्ट से बाहर रखे गए लोग अपने आप को कैसे साबित करें। जस्टिस गोगोई ने कहा कि एनआरसी की प्रक्रिया का वो देखेंगे और उसके बाद फैसला इस पर लेंगे कि किस तरह से इस पूरी रजिस्टर को तैयार किया गया है। अदालत ने ये भी कहा कि उनकी चुप्पी का ये मतलब नहीं है कि अदालत एनआरसी के पक्ष या फिर विपक्ष में है। एहतिशाम हमारे साथ है। एहतिशाम, लगातार गृह मंत्री ने भी उस बात को स्पष्ट किया और सुप्रीम कोर्ट भी जिस तरह से लगातार स्पष्ट कर रहा है कि ऐसा नहीं है कि एनआरसी के पक्ष में कोर्ट खड़ा है या फिर विपक्ष में, पूरी चीजें अंडर प्रोसेस है और उसका इंतजार करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आज अटॉर्नी जनरल के तरफ से भी सर कोर्ट से ये दरख्वास्त की गई कि कोर्ट की कुछ आश्योरेंस दे लोगों को, जो लोग बाहर रखे गए हैं इस लिस्ट से उनको कोई भरोसा जताया जा सके। लेकिन कोर्ट ने कहा कि हमारा काम भरोसा जताना नहीं है, ये सरकार का काम है, सरकार करे। हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो कानून के मुताबिक हो रही है कि नहीं। और जो कानून है वो ये कहता है कि उन लोगों को पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए, मौका दिया जाए कि वो अपनी नागरिकता को साबित करें और उसके उसका जो प्रोसीजर है वो कैसे होगा, सरकार ये प्रोसीजर कोर्ट के सामने रखे। शुक्रिया एहतिशाम खान। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी के मुद्दे पर आज संसद के दोनों सदनों में भी जमकर हंगामा हुआ है। विपक्ष के हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही तो कल तक ले स्थगित करनी पड़ी। दरअसल राज्यसभा में बोलते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि एनआरसी की शुरुआत 1985 में राजीव गांधी ने ही की थी और ये असम समझौते का हिस्सा है, लेकिन विपक्ष अब जानबूझकर घुसपैठियों को लेकर सियासत करना चाहता है। एनआरसी का मतलब क्या है? एकॉर्ड में क्या कहा गया? एकॉर्ड में कहा गया अवैध घुसपैठियों को पहचान कर उनको हमारे सिटीजन रजिस्टर से अलग करके आई नो व्हाट टू डू, अब अपना काम करिए। सिटीजन रजिस्टर बनाया जाएगा, वार्डन वार्ड का काम तो ये इनिशिएटिव जो ले रहे हैं, ये इनिशिएटिव ले रहे हैं आपके ही प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने लिया हुआ इनिशिएटिव। इसको अमल करने की हिम्मत नहीं थी, हम में हिम्मत है, इसलिए हमें करने के लिए निकले। माननीय सभापति महोदय सभापति महोदय, एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना है। माननीय अध्यक्ष, I'm not going to accept that with my heart.